नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारा मीडिया में। इस वक्त हम पहुंच गए हैं विधाननगर मेला उत्सव 2024 में। जी हाँ, विधाननगर मेला उत्सव लगा है विधाननगर, जहां पे आपको हम दिखा रहे हैं पहली बार हुआ है विधाननगर अंचल में एक्वेरियम टनल। जी हाँ, एक्वेरियम टनल आप विदेशों में तो आप हमेशा देखते होंगे, सुनते होंगे। देखिए हमारी तरफ, चारों तरफ आपको मछली मछली नजर आ रही है, कई तरह की यहाँ मछलियां हैं। आप देख सकते हैं विदेशी मछलियां हैं, हर तरह की आपको यहाँ मछलियां देखने को मिलेगी। लगभग ये 100 फीट से ऊपर वर्ग क्षेत्र में बनाया गया है इस एक्वेरियम टनल को, और इस एक्वेरियम टनल को बहुत दिन लगते हैं बनाने में। 15 दिन लगा इस एक्वेरियम टनल को इस विधाननगर मेला में बनाने में, और इस टनल को बनाने में जो कारीगर लगे हैं वो भी बाहर से आए हैं। आप भी आइए इस तरह के एक्वेरियम टनल को देखने। कहाँ आना है आपको? विधाननगर मेला में आना है, जहां पे आपको देखने को मिलेगा इस तरह का एक्वेरियम टनल। यहाँ पे जो लोग आए उनसे भी जानते हैं, उनका क्या कहना है इस तरह के एक्वेरियम टनल में, वो कैसा नजारा देख के क्या महसूस करते हैं। आप देख सकते कितनी शानदार मछलियां हैं देखने को, और आप सोचेंगे कि मैं इस तरह एक समुद्र के अंदर में हूं। ऐसा नहीं कि लगेगा कि मैं बाहर में हूं या जस्ट एक एक्वेरियम रखा हुआ है। आप देखिए चारों तरफ ही पानी है। आपको हम दिखाए कैमरे की नजर से, कैमरा पर्सन के थ्रू, देखिए आप ऊपर में भी पानी है। ऐसा नहीं है कि ऊपर में पानी नहीं है, ऊपर में भी पानी है। चारों तरफ पानी के बीच में हम खड़े हैं, इस चारों तरफ पानी के बीच में हम खड़े हैं और आपको दिखा रहे किस तरह यहाँ विभिन्न प्रकार की मछलियां यहाँ आपको देखने को मिलेगी। आइए यहाँ पे अपना कुछ समय निकाल के इस विधाननगर मेला में, जहाँ पे आपको इस तरह का टनल देखने को मिलेगा, जो कि आप विदेशों में ही देखते हैं इस तरह का टनल, और काफी शानदार है ये। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल सा एक एक्वेरियम बनाया हुआ है। आप आएंगे तो आपको महसूस होगा कितने तरीके से बनाया गया, कितना लाजवाब है ये, मंत्रमुग्ध हो जाएंगे आप देख के, और आपका समय किस से निकल जाएगा पता नहीं चलेगा इस एक्वेरियम टनल में आके। और इस एक्वेरियम टनल में ज्यादा चार्ज भी नहीं है, मात्र 100 रुपए शुल्क रखा गया एंट्री शुल्क, सिर्फ इस एक्वेरियम टनल को देखने के लिए 100 रुपए का शुल्क देना है मात्र, जो कि नाम मात्र का ही है 100 रुपए। और आपको यहाँ इस तरह की विभिन्न तरह की मछलियां देखने मिलेगी। आप देख सकते हैं मैं इसको छू रहा हूं, देखिए आपको लग रहा है, देखिए कितनी शानदार है ये मछलियां। इस ग्लास के अंदर में है ये मछली, और ये चारों तरफ ग्लास के अंदर मछलियों से भरा हुआ ये ग्लास है एक्वेरियम में। यहाँ आपको दिखाते हैं पूरे अंधकार में नियॉन फिश है, जो कि लाइट देती है। नियॉन फिश कितनी शानदार लग रही है ये नियॉन फिश। हमारे साथ एक भाई साहब है और एक मैम है, इनसे भी जानते हैं क्या कहना है। मैम, आपने पूरा वहां से यहां तक देखा इस तरह के एक्वेरियम को, कैसा लगा आपको एक्वेरियम देख के? बहुत ही अच्छा लगा देख के। तो इस तरह का एक्वेरियम आप अपने लोगों को, दोस्तों को भी बोलेंगे कि आइए इस तरह का एक्वेरियम देखे? हाँ, जरूर आके सब देखे, एंजॉय करें, बहुत सुंदर है। हम तो फर्स्ट टाइम देखे कोलकाता में ये वाला। जी, तो आप कितना देंगे, 5 out of 5 कितना मार्क्स देना चाहेंगे? 5 स्टार में कितना रेटिंग देंगे आप? 4.5 रेटिंग देंगे कि ये चीज आपको बेहतरीन लगी देखने के लिए। चलिए, ये हमारे साथ एक मैम थी जो बता रही थी, अपना फीडबैक दे रही थी कैसा लगा इनको इस एक्वेरियम में आके। अच्छा सर, आपको बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम आए, बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आए हैं आप? हम तो आए रूबी से। रूबी, इतने दूर से आप यहाँ आए हैं, कैसे पता चला आपको कि यहाँ इस तरह का एक्वेरियम लगा है विधाननगर मेला में? यूट्यूब में देखे, चेक किए, तो यहाँ देखे कि मेला लगा हुआ है, तब आ पाए। अच्छा, तो आप अपने दोस्तों और मित्रों को भी बोलेंगे कि इस तरह के? दोस्त फैमिली सबको बोलेंगे कि यहाँ देखने के लिए, क्या फर्स्ट टाइम आया, अच्छा लगा। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम राहुल कुमार। राहुल जी, ऐसे आप कहाँ के रहने वाले हैं? राहुल, ऐसे हम यूपी के रहने वाले, गोरखपुर। तो आपने कभी गोरखपुर में इस तरह का नजारा देखा है? या सिर्फ कोलकाता में देखिए, एक दो बार पहले देखे लेकिन कभी गए नहीं थे। आज को फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए विधाननगर में, सुने तब यहाँ पर आ चुका है, ये खास कर इसको देखने के लिए आए। अच्छा, को तो आप लोगों को ही बोलेंगे, दोस्त लोगों को बोलेंगे कि आगे एक बार आके देखने के लिए। जी, ऐसा नजारा नहीं मिलेगा आपको, लगता है तो कि चारों तरफ पानी के अंदर में है, ये सिर्फ विदेशों में ही देखने को ऐसे मिलता है। विदेशों में देखने मिलता है, पहली बार इस तरह का हुआ है कलकत्ते में। कलकत्ते में पहली बार इस तरह का हुआ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए राहुल जी, फिर मुलाकात होगी। ठीक है जी, शुक्रिया। आपने देखते ऐसे थे यही एक्वेरियम टनल केवल लागे দেখতে খুবই ভালো লাগছে, চারদিকে শুধু জলে বরাবর মাছে মাছ হয়, নানা বিভিন্ন ধরনের মাছ,
এসব আর কি দেখতে জায়গাটা খুব ভালো লাগছে। আর যদি মানে আমাদের দেশের এইসব তো হয়নি, তাই আমরা পুরুলিয়া থেকে এসেছি, এসে জায়গাটা খুব আমাদের ভালো লাগলো ঘুরতে, তাই আমরা এখন ঘুরে বলছি। তো এরকম যে কলকাতাতে হয়েছে, তো এটা আপনি চান কি পুরুলিয়াতে বি হোক, অনেক জায়গায় হয়? হ্যাঁ চাই, এটা যেমন আমাদের পুরুলিয়া তো হয় আর কি, যেমন এসব মাছ তার যেমন দেখানো হয়, এসব আমাদের মেলা হয়নি বিধাননগরের মতন মেলা, তাহলে আমাদের পুরুলিয়াতে যদি হয় একটা তাহলে আরো ভালো হয়। তো কলকাতাতে এসে প্রথম আমরা দেখলাম। আর আপনি আয়ে দেখে আর আপনার ফিডব্যাক জরুর দে, আমসে শেয়ার করে আর লোকোকে বাতায়ে ये शानदार एक्वेरियम आपको कैसा लगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं गोकुल मुरारका, हमारा मीडिया से कैमरामैन कमलेश के साथ।